हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्ज़ाम्स डॉट कॉम। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स का डिस्कशन करेंगे और फिज़िक्स में हम मोशन को समझेंगे। पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं मोशन से, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट ALP का जो एग्ज़ाम है उसमें फिज़िक्स में टॉपिक में मोशन दे रखा है और मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ हम मोशंस की इक्वेशंस और उनसे आने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस, इन सारे मोशंस की जानकारी भी मिल जाएगी और फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ताकि आप ALP के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें। चलिए, तो मोशन को मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको मोशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। मोर ऑर लेस सभी को पता है मोशन क्या होता है, फिर भी इनिशियल से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं मोशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ बॉडी इफ चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। तो अगर कोई बॉडी ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, और वो बी के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है, तो ए ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में कंसिडर किया जाएगा, राइट? सिंपल सी डेफिनेशन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है टाइम बीइंग, तो वो मोशन में कंसीडर किया जाएगा। एवरीबडी नो दैट इवन अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अर्थ इज अज्यूम्ड एज स्टेशनरी। दस अ बॉडी कैन बी सेड इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो ये उसके डेफिनेशन के बाद लिखा हुआ है कि सबको पता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है। फिर भी हम जब प्रैक्टिकल रीजंस के कारण इसको स्टेशनरी अज्यूम करते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, तो उसको हम मोशन के अंडर कंसीडर करते हैं, राइट? तो हमें बेसिक केवल यही डेफिनेशन याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन मोशन का बहुत सिंपल है। दो तरह के क्लासिफिकेशन है यहां पर। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंसीडर की जाएगी, राइट? समझ लीजिए एक एग्जांपल से। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगले दूसरे घंटे में फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर तीसरे घंटे में फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस तरह से कुल 3 घंटे में वह 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब सेम टाइम इंटरवल है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वहीं अब हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन को समझते हैं। वेरिएबल मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे पहले 1 घंटे में किसी ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, वहीं अगले 1 घंटे में उसी ऑब्जेक्ट ने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और उसके बाद 1 ही घंटे में ऑब्जेक्ट ने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन कहलाएगा। मीन्स मोशन में वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं हमें, अनइक्वल डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल सेम है, 1 ही घंटा है, पहले 1 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला गया, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला गया, इस तरह से तो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मोशन हमारे सामने होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट? बेसिक सी डेफिनेशन है। तो मोशन आपको समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंडर कंसीडर किया जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन वो होगा जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की जाएगी, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होगा जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की जाएगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं पीरियोडिक मोशन पर। ये यहाँ से संभावना है प्रश्नों के बनने की, तो आप इसको पीरियोडिक मोशन को, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस को अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स। ALP में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में रेलवे की जॉब है, टेक्नीशियंस भी हैं उसमें, तो ये आपको बनना कंपलसरी है। तो पीरियोडिक मोशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
a motion which repeats itself over and over again after regular interval of time is called periodic motion. Means कोई भी motion एक definite interval of time के बाद अपने आप को repeat करता है तो वो periodic motion होता है. हम सभी ने sinusoidal waves पढ़ी हैं, तो sine का जो motion होता है वो periodic motion होता है. Means एक definite interval of time के बाद same motion ही repeat होगा. पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद वही मोशन फिर से रिपीट हो गया, तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. राइट, समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. इसका बहुत बेसिक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, वह अपना रोटेशन कंप्लीट कर देती है 365 डेज के बाद, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद अगेन उसी पाथ पर अर्थ दोबारा रोटेशन शुरू कर देती है. तो एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड शुरू हो गया तो उसी पाथ पर सेम, तो ये हो जाता है पीरियोडिक मोशन. साइनोसोइडल वेव, ये पीरियोडिक मोशन हमारे सामने देखने को मिलता है. इसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड. इससे सवाल बनेंगे, पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया? तो पीरियोडिक मोशन में जिस टाइम पीरियड के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है वही टाइम टाइम पीरियड कहलाता है मोशन का. राइट, तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से हम समझ गए. चलिए, पीरियोडिक मोशन कंप्लीट हो गया है. पीरियोडिक मोशन के बाद अब हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स. तो ऑसिलेटरी मोशन, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर पाएं कि वो एक पॉइंट के ट्रू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो उस तरह का मोशन जो हमारे सामने होगा वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होगा. इसका एग्जांपल सिंपल सा है, एक घड़ी का पेंडुलम अगर हम देखें तो वो किसी एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करता रहता है इस तरह से. ये जो मोशन होगा ये हमारे सामने क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा. ठीक है, या इस पॉइंट से बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकता है तो भी वो ऑसिलेटरी मोशन में कंसिडर किया जाएगा. सिंपल सा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के टू फ्रो या बैक फोर्थ मूव कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कंसीडर करेंगे. ये हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक दो तरह के ऑसिलेशंस हमारे सामने होते हैं. हार्मोनिक ऑसिलेशंस वो होते हैं जिन्हें कि हम एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस के रूप में डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी एक मोशन है जैसे उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. साइन और कोसाइन के फंक्शन ही होंगे, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. इस तरह से अगर कोई मोशन की इक्वेशन हमारे सामने है तो वो हमारे सामने हार्मोनिक मोशन होगा. आपको एएलपी में इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको एक इक्वेशन दी होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज अ हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शन. तो जहां भी सिंगल फंक्शन में हमें इक्वेशन मिलती है साइन या कोसाइन की तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मोशन क्लिक करेंगे. और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं जिन्हें की सिंगल साइन या कोसाइन के फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. नॉन हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन टू ओमेगा टी, इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखी होगी तो वो आपकी नॉन हार्मोनिक मोशन के अंडर कंसिडर की जाएगी. राइट, तो आपको हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक मोशंस दोनों ही समझने हैं. हार्मोनिक मोशन मतलब सिंगल साइन या कोसाइन का फंक्शन हमारे सामने है, वहीं नॉन हार्मोनिक मोशन में हमारे सामने सिंगल साइन या कोसाइन का फंक्शन नहीं मिलेगा मोशन का. ठीक है, और ये ओमेगा को और टी को मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझा देता हूँ अभी क्या होते हैं ये. चलिए मैं अपनी नेक्स्ट बताता हूँ आपको. तो आपको पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक चारों मोशंस की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई है. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ और इस तरह से आप जो एएलपी में क्वेश्चंस आएंगे आप उनको डेफिनेटली क्रैक करेंगे, ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ. चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ. फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ इसमें हमें कमेंट सेक्शन में जाके डाउट डाल दीजिए, हम सिंपल लैंग्वेज में आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, पीरियोडिक मोशन के बाद अब इनमें हम इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइम पीरियड. मैंने आपको पीरियोडिक मोशन में बताया था तो टाइम पीरियड वही टाइम होगा जिसमें कि मोशन अपने आप को रिपीट करेगा. फॉर एग्जांपल ये एक साइनोसोइडल वेव है, ये इसका मोशन हो रहा है और इसके बाद टी टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. तो ये जितना ये टाइम लगेगा ये टाइम पीरियड होगा उस मोशन का. राइट, सिंपल है. जितने टाइम पीरियड के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है.
मोशन का, पीरियोडिक मोशन का, और इसको हमेशा सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो सेकंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियडिक मोशन एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जितने मोशन रिपीट किए जाते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हर्ट्स होती है, राइट। नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूटेड बाई बॉडी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में बॉडी कितने मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और इसकी जो यूनिट होगी वो हर्ट्स होगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होगी, ऐसा यूनिट ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद एक आता है टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को मैं बता देता हूँ, टी के साथ, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है 2πf फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को 1/ टाइम पीरियड भी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी 1/ टाइम पीरियड। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है 2π/T, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इससे भी सवाल आपको मिलने मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/ टाइम पीरियड होती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट अगला टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल डेविएशन होता है, मीन पोजीशन से जितना बॉडी डेविएट कर जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, राइट। जैसे अगर ये पॉइंट है, यहाँ से बॉडी यहाँ तक चली जाएगी, तो ये जो डेविएशन होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट के तहत कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फेज। फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है फेज, इसके लिए आप ये इक्वेशन ध्यान रखिए, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वेयर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये जो थीटा की वैल्यू है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फेज वाई, फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ये जो है वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेज है। अब फेज के बारे में मैं बता देता हूँ, इनिशियल फेज, सेम फेज और ऑपोजिट फेज। इनिशियल फेज जब कोई भी मोशन स्टार्ट हो रहा होगा टी इज इक्वल टू जीरो पर, जब टाइम जीरो का स्टार्टिंग में जो फेज होगा वो उसका इनिशियल फेज कहलाएगा। सेम फेज क्या होगा, जब दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेम फेज में तब कहे जाएंगे जब उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो इवन मल्टीपल ऑफ एन हो, या पाई बाई टू का उनके बीच में फेज डिफरेंस हो, और ऑपोजिट फेज जब कहलाएंगे जब उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस हो, ठीक है। पाई बाई टू का अगर फेज डिफरेंस दो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के बीच में है तो वो सेम फेज में कहलाएंगे, वाइल अगर उनके बीच में पाई का डिफरेंस है तो वो ऑपोजिट फेज में कहलाएंगे। और फेज डिफरेंस क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, अगर कोई इक्वेशन दी है हमारे सामने वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और वाई टू दी है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो उनका फेज डिफरेंस डेल फाइव होगा ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन इनका फेज डिफरेंस होगा, क्लियर है। चलिए डी फाइव होगा दोनों का फेज डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव टू माइनस फाइव वन जो होगा फेज डिफरेंस उनका कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको जब न्यूमेरिकल इस तरह के हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ से है, इक्वेशन दी रहेगी हमको केवल फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो फाइव टू माइनस फाइव वन हमारे सामने फेज डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ले लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इसकी इक्वेशन निकल कर आती है एस एच एम की, ठीक है। अगर कोई इसमें क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो वापस लाने के लिए मीन पोजीशन में जो फोर्स लगेगा वो काय के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारे सामने जो एक मोशन निकल कर आता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या एस एच एम निकल कर आता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के मीन पोजीशन से। यहाँ पर k की डायमेंशन नोट करने योग्य है, एम टी टू दी पावर माइनस टू, ये भी बन सकता है प्रश्न, तो k की डायमेंशन होंगी एम टी टू दी पावर माइनस टू, ये कॉन्स्टेंट है, SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर इसकी जो यूनिट है,
न्यूटन पर मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, जब t इज इक्वल टू जीरो है तो वाइब्रेशन पार्टिकल इज एट द मीन पोजिशन। अगर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है एट t इज इक्वल टू जीरो, वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज इन एक्सट्रीम पोजिशन। और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, वेयर वाइब्रेटिंग पार्टिकल फाइव फेज लीडिंग टू द लैगिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो ये उसकी तीनों ही इक्वेशन दी हुई हैं। जब t इक्वल टू जीरो पर तीनों y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो t इज इक्वल टू जीरो पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो रहेगा वो मीन पोजिशन पर रहेगा। अगर a कॉस ओमेगा टी है t इज इक्वल टू जीरो पर तो एक्सट्रीम पोजिशन पर रहेगा। और अगर ओमेगा t प्लस माइनस फाइव है तो जो फेज डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा लैगिंग फेज रहेगा, लैगिंग रहेगा प्लस के साथ और माइनस के साथ लीडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही इक्वेशन हमें समझनी है। तो अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। तो आप इस वीडियो को समझ लीजिए और कोई डाउट है तो हमारे उसमें डाल दीजिए, इसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे और ऑसिलेटरी मोशंस को समझ लेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, ALP में मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को क्लिक कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने मोशंस डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको डाउट है तो प्लीज़ आप डाउट डाल दीजिएगा। थैंक यू।